हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज गौतम और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आज अपने म्यूजिक सेंटर पर आपको विजिट कराने जा रहा हूं। यदि आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है और इससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आइए चलते हैं संगीत सरिता म्यूजिक सेंटर की ओर। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने म्यूजिक सेंटर पर। आप आवाज सुन रहे हैं कि अंदर क्लास चल रही है। आइए आपको अपनी कक्षा के दर्शन कराता हूं और अपने गुरु जी के दर्शन कराता हूं। बेहतरीन माहौल है, 12 साल हो गए देखते हुए, किसी भी बच्चे को हमने खराब होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मार्गदर्शन मेन होता है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। और मिश्रा जी का जो मार्गदर्शन है वो बहुत बढ़िया है और बच्चे इससे प्रेरणा लेते हैं, बहुत अच्छा सही तरीके से चल रहा है। जो भी आएंगे बहुत अच्छा पाएंगे और यहाँ से सीखने के बाद एजुकेशन और अच्छी हो जाती है, पढ़ने में और ज़्यादा निकलते हैं बच्चे, मैंने देखा, करना चाहिए। मिश्रा जी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि जब तक क्लासिकल बेस तैयार नहीं होगा तब तक कोई बच्चा ऊंचाइयों को पर नहीं जा सकता। डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है और बच्चों में एक ऐसी कल्चर जो कि बहुत ही रेयर है आजकल भारतीय संस्कृति को लेकर, वो डेवलप हो रही है, क्या कहना चाहिए, आज की तारीख पर डेवलप हो चुकी है। बच्चे अपना 100% कैसे दें इसके अंदर, ये दिलीप मिश्रा जी का सबसे बड़ा प्रयास रहता है। संगीत सरिता का मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। संगीत सरिता म्यूजिक सेंटर जब से मुजफ्फरनगर में आया है कि जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक उनके पास जाकर विधिवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो म्यूजिक सेंटर में बच्चों को तराशा जाता है तो अपने आप ही वहां से जो है जो प्रतिभाएं हैं वो निखर के आती हैं। सैया सैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संगीत वो अवस्था है जिसको गाने के बाद, सुनने के बाद आदमी शांत भाव से बैठे, सरल हो, शुद्ध हो। और मुझे इस सेंटर में आकर बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं छोटे छोटे बच्चों को या बड़े जो हमारे सज्जन हैं उनको मैं देखता हूँ कि वो क्लासिकल म्यूजिक के साथ अपने भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर, ताल, लय, ये सब हमको क्लासिकल में प्राप्त होता है। वर्तमान समय में संगीत सरिता म्यूजिक सेंटर और उसके संचालक दिलीप मिश्रा जी संगीत के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं और बच्चों को व्यवहारिक रूप से संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ। बड़ी प्रतिभा संगीत के लिए यही है कि अगर धैर्य है आपके पास तो सीख सकते हैं। कोई सा भी संगीत हो, गाने के बजाने के बहुत सारे काइंड हैं, प्रकार हैं। कोई वायलिन बजा रहा है, कोई सारंगी बजा रहा है, उसी तरीके से कोई गजल गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई जागरण ही कर रहा है, कोई शास्त्रीय संगीत ही गा रहा है, लेकिन इन सब का रास्ता शास्त्रीय संगीत से होके ही जाता है।
तो मेरा संदेश तो यही है कि सभी लोग शास्त्रीय संगीत सीखें, उसके बाद तय करें कि उनको क्या गाना है और उसी हिसाब से शास्त्रीय संगीत सीखें, उसके बाद वो जो भी गाएंगे बजाएंगे वो सबसे अलग होगा। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आप म्यूजिक सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार सेंटर को आप जरूर ज्वाइन करें, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप जरूर कॉन्टेक्ट करें। और अगर इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस आपको देखनी है तो संगीत सहिता म्यूजिक सेंटर को आप सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पे मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।